हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, उनके सेग्रीगेशन के बारे में, उनके टाइप के बारे में। अभी आज में हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है। कम्युनिकेशन साइकिल है संचार चक्र, और फीडबैक क्या होता है, इसका क्या महत्व है, इनके बारे में आज हम देखेंगे। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कम्युनिकेशन दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में बातचीत करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो शुरू करते हैं कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल में क्या होता है, एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा और एक चैनल होगा। सेंडर मतलब प्रेषक, जो इन्फॉर्मेशन को भेजता है, जहाँ से इन्फॉर्मेशन इनिशिएट होती है, या कम्युनिकेशन साइकिल या कम्युनिकेशन प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट होता है, वो स्टेप होता है सेंडर का। और ये इन्फॉर्मेशन रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता तक पहुँचती है, किसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से। अब चैनल क्या होता है, चैनल हमारा फोन हो सकता है, या कोई लेटर हो सकता है, या कोई पोस्टमैन हो सकता है। ये क्या है, चैनल। यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो ये एक माध्यम है हमारे इन्फॉर्मेशन को रिसीवर तक, प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए। जिस माध्यम का हम प्रयोग कर रहे हैं उसको कह रहे हैं चैनल। चैनल के एग्जाम्पल हो सकते हैं, बता दिया मैंने, फोन हो सकता है, फेस टू फेस बात करते हैं आपस में बैठ करके सामने सामने, या लिखित में कोई इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है, तो जिस भी प्रकार से वहाँ प्राप्तकर्ता तक पहुँच रही है इन्फॉर्मेशन, उस पूरे सिस्टम को हम कहेंगे चैनल। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये सेंडर है, इसने कुछ बोला या जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पास किया, चैनल के माध्यम से ये रिसीवर तक पहुँचता है, और रिसीवर से वापस सेंडर तक जब कोई रिप्लाई जाता है रिसीवर की तरफ से, तो ये प्रोसेस पूरी मानी जाती है, पूरी हो जाती है। तो इस पूरे चक्र को जो आप देख पा रहे हैं, सेंडर से रिसीवर और रिसीवर से सेंडर तक ये चक्र बन रहा है, इसको कह रहे हैं हम कम्युनिकेशन साइकिल या संचार चक्र। दो बातें आपको समझ लेनी है, सेंडर वो होता है जो जानकारी को भेजता है, और रिसीवर वो है जो जानकारी को रिसीव करता है, प्राप्त करता है, और चैनल वो है जिसके माध्यम से जानकारी जा रही है या भेजी जा रही है। क्लियर है? तो ये हो गया संचार चक्र। अब आगे देखेंगे फीडबैक क्या होता है। इसी में मैं बता देता हूँ, फीडबैक का मतलब है कि जो जानकारी आपने प्राप्तकर्ता तक भेजी थी, या जहाँ भी भेजी थी आपने, वहां से जो उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, जो उससे प्रतिक्रिया मिल रही है, उसी को कह रहे हैं फीडबैक। मैं अभी आपको कुछ बता रहा हूँ, आपको जो समझ में आ रहा है, अगर मैं आपसे कुछ पूछता हूँ आप जवाब देते हैं, तो ये क्या है, फीडबैक है। अब इस फीडबैक के महत्व तो क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इस फीडबैक की, वो देख लेते हैं। इस फीडबैक का महत्व तो ऐसा है कि अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आप मुझे जवाब दे पा रहे हैं, आपसे फीडबैक मुझे सही मिल रहा है, या किस लेवल तक मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, या बहुत ही बेकार मिल रहा है, इससे मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरा जो ये कम्युनिकेशन है कितना इफेक्टिव है, कितना अच्छी तरह से मैं आपको कोई भी बात को बता पा रहा हूँ, या आप अपने अगर फ्रेंड से कुछ बता रहे हैं तो आपका फ्रेंड कितना समझ पा रहा है, ये कैसे डिसाइड होगा, उसके द्वारा जो फीडबैक मिलेगा उससे, है ना। तो फीडबैक क्या होता है ये आपने समझ लिया, फीडबैक का इम्पोर्टेंस क्या है ये भी समझ लिया।